मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 32 एक फ्लोर में 6 फ्लैट है और 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल पे रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आपी और खाना करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी या कुछ प्रसाद दिया। मैं कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला इतना ही बोलता है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। हाँ, सिर्फ जात पात से एक दूसरे का दर्द ना समझ के तुम कहते हो तुम तो जाट हो, तुम तो जाट हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित हो। अरे मत करो, मुसलमानों में तुम क्या समाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठो बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अभी जो आप इस बहन की वीडियो देख रहे थे, यकीनन इनका कहना बिल्कुल सही और सच है कि हमारे हिंदू भाई या बहन मुस्लिम माशरे में या मुस्लिम आबादी में जो रहते हैं, यकीनन उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है किसी मुसलमान से, और ना कोई मुसलमान तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है। और जहां कहीं भी आप देख रहे होंगे कि हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वहां हकीकत में उस एरिया के लोग नहीं होते जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलजुल कर रहते हैं। बल्कि पिछली जो वीडियो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कि जहाँ कहीं भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा आप देखे होंगे, वहाँ पर के लोग जो होते हैं वो लोग झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से कुछ लोग आते हैं और वो पथराव करते हैं और झगड़ा लड़ाई की जड़ खड़ी कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब बाहर के लोग आ करके झगड़ा लड़ाई करेंगे एक ऐसे माशरे में जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, तो उसमें हिंदू के घर को भी नुकसान होगा और मुसलमान के घर को भी नुकसान होगा, हिंदू भाई को भी तकलीफ़ होगी और मुसलमान भाई को भी तकलीफ़ होगी। अब ये सूरत जब पैदा हो जाती है, अब पूरे भारत में ये शोर हो जाता है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया है, अब मुसलमान के आबादी में हिंदू लोग हैं तो उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि मैं जहाँ पर रहता हूँ अभी, वहाँ पर भी हमारे आस पास में बहुत से हिंदू लोग रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, मिल मोहब्बत से रहते हैं। हमारी अपनी दुकान है जो आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, यहाँ पर हिंदू भाई भी आते हैं, सामान खरीदते हैं, हम भी हिंदू भाई से ख़रीदते हैं। तो जो आपस में मकामी लोग होते हैं और माशरे में मिलजुल के रहने वाले होते हैं, उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वो झगड़े की जो जड़ होती है ना, वो सियासी पार्टी होती है जो अपने वोट बैंक के लिए आपस में मुसलमान को लड़ाते हैं और एक ख़ास जगह पर लड़ाते हैं और उसका फ़ायदा वोट की शक्ल में कई मकामात पर हासिल कर लेते हैं। क्योंकि हिंदू लोग समझते हैं हमारे भाई कि देखो मुसलमान हिंदू के साथ ऐसा कर दिया, अगर हम हिंदू को वोट अपने नेता को वोट नहीं देंगे, हिंदू नेता को, और इनको आबादी से नहीं खड़ा करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिकाना, जबकि ऐसी हकीकत है ही नहीं। आप तहकीक कर ले, रिसर्च करें, सर्च करें, मालूमात हासिल करें, आपको मालूम होगा कि मकामी लोग कहीं पर भी पूरे भारत में पूरे इंडिया में झगड़ा लड़ाई करते ही नहीं है, न किए हैं न करेंगे। बल्कि जो सियासी पार्टी होती है, जो अपने इलेक्शन के दौर में स्टेट से जो बयान देती सियासी पार्टियां, उनकी वजह से दंगा फसाद होता है और उसके उल्टे सीधे भाषण की वजह से, उल्टे सीधे लेक्चर और तकरीर की वजह से, बात की वजह से आपस में लोग लड़ने लगते हैं और कुछ गिरोह बन करके आते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि इस बात को आप समझिए कि हमारे जो मकामी लोग होते हैं, उनका आपस में कुछ झगड़ा होता ही नहीं है। इस बात को हमें भी समझना पड़ेगा, हमारे हिंदू भाई को भी समझना पड़ेगा। और जो लोग हमारे आपस में सियासत के नाम पर लड़ाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से पहले या बाद में, तो इनसे हम लोग बच के रहें। देखिए, जो नेता आपको लड़ाते हैं, ना उनके बेटे का नुकसान होता है, ना उनकी बेटी का नुकसान होता है, ना उसके भांजा का, ना माँ का, ना बाप का, ना खुद उनका, उनका कुछ भी नहीं होता है। नेताओं का कुछ भी नहीं होता है, एक ज़र्रा बराबर नहीं होता है। नुकसान किसका होता है? पब्लिक का होता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो गरीब हो या अमीर हो, ये पब्लिक का ही नुकसान होता है। इसलिए गुजारिश है कि कोई भी सियासी पार्टी हो, उनके दबाव में आप आकर के कुछ ऐसा कदम ना उठा लें कि एक नेता की बात पर आप गलत कदम उठाएं। नेता तो बोल करके चला जाए, उसका कुछ बिगड़े नहीं, और नतीजा ये निकले कि खुद आपस में आम जो पब्लिक है उनका नुकसान हो जाए। उनके नुकसान तो बच्चे जो मारे जाते हैं या शहीद होते हैं या कत्ल होते हैं
या मर्डर होते हैं या जला दिए जाते हैं, कोई भी नुकसान किसी भी शक्ल में, वो आम पब्लिक का नुकसान होता है, किसी नेता का नहीं होता है। चाहे इस हिस्ट्री को आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े नेता जो लेक्चर देते हैं स्टेज पर आकर के, उनके खानदान वालों में से किसी का कुछ नुकसान होता ही नहीं है, जो नुकसान होता है आम पब्लिक का होता है। लिहाजा गुजारिश है कि हमारी इस बहन की जो बात है इसी को आप यकीन जानें और इसी पर ध्यान दें कि हकीकत यही है कि जहाँ पर आबादी में हिंदू मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ पर कोई झगड़ा होता ही नहीं है। जो बाहर के लोग आते हैं हमारी आबादी में तकरीर उल्टी सीधी करके चले जाते हैं और उनके बहकावे में आकर के हम लोग उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं। इसलिए गुजारिश है कि हमारी जो बहन बोली है ना, इसको गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। और हमारे माशरे माहौल की हकीकत यही है जो ये बहन बयान कर रही थी। अस्सलामु अलैकुम।